आत्मा का दर्शन शब्द चो करना, आदि ग्रंथ गुरु साहब चो करना। हुण व्यक्ति गुरु नहीं है, शक्ति गुरु है। और जिन्हां दियां अखां सेजल होईयां, मान योग सत्कार योग मस्कीन साहब जी दे अकाल प्याने तो बाद, उन्हां नूं इह गल कतई तौर ते नहीं भुलनी चाहीदी। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ए तो चलत भया। मौत नहीं है, बाहरी मौत नूं गुरु पंथ मौत नहीं मंदा। जो अमृतधारी उहदा जीवन अमृत जिथे बनिया वह अमर भी हो जाता है, अगर गुरमतिया बन के विचरदा है। और ऐसिया रूहां अमर हो जांदियां ने पंथ लई, धर्म लई, समाज लई, संसार लई एक नमूना बनदियां ने, मार्गदर्शन बनदियां ने। हाँ जी, संसारी बंदे सैकड़े व्यक्ति तेरे चुगिरदे तो चले गए ने, पर तू देखी सीधे रस्ते ते चलण दा यतन करी। क्योंकि गुरु नूं पता है संसार च चलदिया पुठा रस्ता भी ते बंदा अपना सकदा है ना। जितना मर्जी ज्ञान होए, जितना मर्जी प्रकाश होए, जरूरी नहीं बंदा सीधे रस्ते ते चले, पुठे ते भी तुर सकदा। क्योंकि तोरन वाला वो। और कई बारी असी ये गल कह के तोरन वाला वो है, अपनी जिम्मेवारी ओदे ते सिट देने। ऐसा भी ना समझना में निरा तोरन वाला वो है। जे तोरन वाला वो है, उसने गुरु दिता, समाज नू मास्टर दिता, महाज्ञान दिता, हुण गुरु किस पासे तोरदा है। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। ऐ बंदिया निरा ओदे भरोसे ते ना बैठे, भरोसा गुरु ते। गुरु ने निरंकार देखे, तू गुरु देखे। गुरु ने कदों बख्शिश करनी है, पहला रब्बी बख्शिश होनी है, तेनू गुरु चेता आना। जदों तू गुरु गुरु कीता, फिर गुरु ने बख्शिश करनी है। अनंत जन्मा तो टुटी हुई आत्मा नू परमेश्वर च लीन कर देना, मिला देना। पहला रब्बी बख्शिश है, फिर गुरु बख्शिश है। एदे च उद्यम तेनू करना पेगा। उद्यम करें दे जीओ तू, उद्यम तू करना है, बख्शिश गुरु करेगा। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए, चल सतगुरु कोट पैंडा, आगे हो लेता। गुरु करोड़ा कदम अगे होके तेनू गलवकड़ी च लै सकदा, पर दो तीन कदम तेनू भी पुटने पैणगे। मेरा रब्बी भरोसे ते ना बैठ, तू भी पुट, यतन कर। आहिस्ता आहिस्ता यतन करदिया करदिया तू धक्के खाण वाला नहीं बनेगा। नत्र को धक्का दिवई है रे, सिद्धे रस्ते ते तुरी, जे किते पुठे ते तुर पिया, जिंदगी विच कुरस्ता भी मिल जांदा। और कुरस्ते बंदा कदों चलदा, जदों बंदा गुरु दियां हदूदां नूं टप जाए, जदों बंदा गुरु दी मर्यादा दा उलंघन कर दे, जदों गुरु दा डिसिपलिन बंदा भंग कर दे, उदों कुरस्ते भी ते हो जांदा। समुची रायमाण दा युद्ध जेड़ा है, ये शायद मर्यादा दे उलंघन तो ही शुरू होंदा है। मर्यादा की सी, राम गया, बाद च लक्ष्मण चला गया, पर सीता ने आख्या जा सोने दा हिरन लभ के लैण तेरा गया भरा, तू क्यों बैठा है। लक्ष्मण आखन लगा नहीं, हे मैया मैं जाना, पर पिछों कोई पता नहीं राक्षस बिरतियां दा तेरे ते असर हो सकदा है। मैं तेरे चुगिरदे च इक लाइन खिंचण लगा, जो मर्जी हो जाए तू लाइन नू क्रॉस ना करे, तू इस हदूद नू पार ना करे। अगर तू इस हदूद नू पार कर गई
विपता शुरू हो जाएगी, दुख शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान दी माइथोलॉजी ऐसा कहीं दी है कि रावण आया, भिख्या मंगी, सीता ने अंदरों देण दा यतन कीता, ते रावण कहन लगा नहीं मैनू परवान नहीं है। आ जिहड़ी लाइन खिंची होई ना, मैया जी जरा बाहर आके सिखिया दिओ, भिख्या दिओ। उस वेले मैया गलती कर गई, खता कर गई। एक पंजाबी दा शायर कहिंदा है, जेकर सीता हद ना टपदी क्यों रावण लै जांदा, रस्ता छोड़ कुरस्ते होई है सोईयो तके खांदा। जिहड़ा रस्ता छड़ के कुरस्ते ते चल पे वह तकिया जोगा रह जांदा। फिर रामायण दा जंग शुरू होंदा है। सूधे सूधे रेग चलो तुम नत्र को धक्का दवाई है रे, वेखी बंदिया किते तकिया जोगा ना रह जाए। हां जी, भावें बच्चा होए, भावें जवान होए, भावें बजुर्ग होए, शरीर नूं तां सब नूं जम ने लै ही जाना है, रब दे दूत ने लै ही जाना है, शरीर ते भजना ही भजना है। हां जी, मानस विचारा, बंदा विचारा, ये चूहा है। कबीर साहब आखते ने कदों तक बचेगा बिल्लियां तो, कहिंदे ने चूहे नूं खाण वास्ते बिल्लियां पालियां जांदियां। कितनी गजब दी बात है। मानस बपरा मूसा कीनो, बीच बलैया खैया रे। ए मानस, ए संसार, ए जगत जो चूहिया दी तरह थोड़ा थोड़ा कुतर रहे, खा रहे, टुक रहे, खुड्डा बना रहे, इनू पता नहीं बिल्ली ने आके मैनू साबता ही निकल जाना है, खा जाना है। जम रूप बिल्ली ने, काल रूप बिल्ली ने, पर ख्याल करना जो गुरु का सिख है, जो रब दा मनन वाला है, उनू फिर कुत्ते बिल्लियां तो भी डरन दी लोड़ नहीं है। उनू बिल्ली या बिल्ला नहीं खा सकते। सिंह साहब नू वेदांती साहिब इसलिए आख्या जांदा क्योंकि उन्होंने एक एक व्याकरणक शब्द दे उचारण दा पता है, बहुत बारीकी है। पातशाह ने बाणी च जिक्र किया, सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रास है। भाई शेर दी शरण विच जान दी जरूरत की है, जे किते बिल्लियां दा ही डर होवे। गुरु शेर है, गुरु बबर शेर है, गुरु पादशाहां दा पादशाह है, और पातशाह दी शरण च जाण दी जरूरत की है, जे किते काल रूप कुत्ते बिल्लियां दा डर होए। इसे वास्ते सिख जदों गुरमतिया हो जांदा, कफन बन के तुरदा है, मौत दा गाना बन के तुरदा है, सीस नूं हथेली ते रख के तुरदा है, क्योंकि गुरु नानक दी हजूरी च जदों कोई बंदा आउंदा है, गुरु नानक मंगदा ही है, सब कुछ मैनू दे जा ते आ गुरमत लै जा, फिर गल बनती है। हाँ जी, अब बंदे नू बंदे दा डर हो सकता है, रब नू किसे दी कान नहीं है, रब किसे दी परवाह नहीं करता, रब बड़ा बेपरवाह है, भावें राजा होए महाराजा होए ते भावें कोई गरीब निमाणा होए, उहदे लई सारे इक हो जाए, उहदे लई कोई वड्डा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई काला नहीं कोई गोरा नहीं, उहदे लई सब बराबर ने। किस वास्ते?
ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਭੇਜਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੌਤ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਜਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੌਤ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਨਾ ਲਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਥਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਕਲੱਤਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਲੱਛਮੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲੱਛਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਛਮੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਛਮੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਫਿਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਹੇ ਸਾਧ ਜਨੋ ਹੇ ਭਗਤ ਜਨੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੰਨ ਨੇਕੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸਕਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਕੈਸੇਟਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ VCD ਬਾਹਰੋਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਅਸੀਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ